थर्टी मिनट्स बेसिकली एक थ्रिलर फिल्म है जो टाइम को लेकर, पंक्चुअलिटी को लेकर, हम हिंदुस्तान में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जब कोई फ़ोन करता है, अरे कहाँ हो, अरे 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो उस टाइम को लेकर एक ये थ्रिलर बनाई गई है जिसमें टाइम की अहमियत क्या है, हम लेट होते हैं, कभी क्या होता है कि एक एक सेकंड में, एक एक डैडी का जैसे एक इस फिल्म में डायलॉग है, एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये टाइम को लेकर एक थ्रिलर बनाया गया है जहाँ पर एक लड़के की स्टोरी है जो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके फादर ने उसको बचपन में इतना टॉर्चर किया है, इतना तंग किया है टाइम को लेके, क्योंकि वो लेट होता था, उसको इतना इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि अब उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है. और जब टाइम के बारे में कुछ होता है तो उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है टाइम को लेकर, ये थ्रिलर है. मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नहीं तो उसका सस्पेंस निकल जाएगा. ये 30 मिनट जो है जी, तो कोई वाक्य हुआ आपके साथ जो आइडिया है 30 मिनट ये रखना चाहिए? नहीं, ये एक्चुअली टाइटल मेरे डायरेक्टर मिस्टर यशुदास ने रखा है. वाक्य मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक ट्रू स्टोरी है एक लड़के की. गोरखपुर के पास एक गाँव है, वहाँ पर मैं नाम भूल जाता हूँ, वहाँ से एक ट्रू स्टोरी है इस लड़के के साथ, ये टाइम को लेकर एक्चुअली हुआ है. बट ये टाइटल तो उन्होंने सोचा था 30 मिनट्स, तो हमको अच्छा लगा कि बहुत अलग टाइटल है क्योंकि ऐसी टाइटल का फिल्म अभी तक आई नहीं है अभी तक. गूफी सर मेरे फादर नहीं है, पेंटल जी. माफ़ किया. हाँ, गूफी जी डैडी के बड़े भाई. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था, डर भी था कि यार अगर मैं अपने फादर के सामने नहीं परफॉर्म कर पाऊँ तो, यू नो, एक वो एज एन एक्टर, एज अ फादर डिसअपॉइंटमेंट, एज अ सन डिसअपॉइंटमेंट का वो होता है कि कहीं मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर दूँ, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हुआ. बट बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है. आप आज जैसे हमारी इंडस्ट्री में आप किसी भी एक्टर से पूछे, हमारा काम ऐसा है कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए. एवरी डे जो हम शूटिंग करते हैं वो हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. तो उनके साथ जब काम किया तो कुछ ना कुछ मैंने ऐसी छोटी मोटी चीज़ें सीखी जो मेरे शायद दिमाग में कभी नहीं आई थी. बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. हमारी केमिस्ट्री देखिए क्या होता है कि एक फादर सन जो घर में हम हैं, जैसे हमारी केमिस्ट्री है, भले हम झगड़ा करें या हम घर में कैसे भी बिहेव करें, हंसी मजाक से रहें या जैसे भी रहें, वो एक केमिस्ट्री, एक जो बॉन्डिंग है फादर सन की, वो स्क्रीन पर दिखती है, वो पता चलती है. आज जब डैडी और मैं स्क्रीन पे आए, मैंने भी फिल्म देखी, तो मुझे खुद को लगा कि नहीं यार केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. यू नो, हम आंखों आंखों में ही बात कर लेते हैं सीन्स में, जहाँ हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो फुल आई कॉन्टैक्ट देना और बात करना, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. नर्वस नहीं, एक्चुअली ऐसा नर्वस तो नहीं हुआ, बट थोड़ी सी घबराहट थी. बट वो फिर बिकॉज अब वो इतने सालों से एक्ट कर रहे हैं, इतने साल से एक्टर हैं, उनको पता है कि सामने वाले को कंफर्टेबल कैसे करना है. तो उन्होंने मेरे से बात करते कि नॉर्मल किया, नॉर्मल हो गया, फटाफट शूट कर लिया, सीन हो गया, अच्छा मज़ा आ गया, वो पता नहीं चला, टाइम निकल गया. इस फिल्म में ऋषिता भट्ट हैं, वो हीरोइन है फिल्म की. इसमें मिस्टर हेमंत पांडे हैं, राणा जंग बहादुर जी हैं. तो हम लोग 5-6 एक्टर जी हैं इस फिल्म में, बट मेन स्टोरी मेरे और मेरे फादर के ऊपर. बहुत मिला है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली थ्रिलर किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर किया है, थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर भी है, रोमांस भी है. तो ये कुछ चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी न्यू थी, जो करके बहुत मज़ा आया, सीखा, एक्सपीरियंस अच्छा मिला, कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ गया करने से. जी, इससे पहले जो मेरी फिल्म थी बचना तीनों रास्कल्स, बनियन बबलू, ये सब कॉमेडी फिल्म्स थी. ये सब थोड़े मुझे लगता है कि कॉमेडी में भी हमारे बिकॉज जीन्स में है, तो मेरे लिए कॉमेडी थोड़ी इजी हो जाती है करने के लिए. बिकॉज ये सब करना शायद मुझे जब एक डायरेक्टर किया, हल्का सा थोड़ा डर था कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, यू नो, कॉन्फिडेंस लेवल भी था. बट कॉमेडी में तो 110% पे होता है, क्योंकि वो एक ऐसी नेचुरल चीज़ आती है. तो वो फिल्मों में बहुत मज़ा है, वो अलग फिल्में थी, एक्सपीरियंस उनमें बहुत अलग था, उनको
शूट करने का तरीका और मज़ा बहुत अलग था। ये जो 30 मिनट्स फिल्म है इसमें जी हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि आप किसी और के टाइम को वेस्ट ना करें और उनकी टाइम, उनकी ज़रूरत और उनकी टाइम को समझें और अपने टाइम को भी समझें। और बार बार हम लोग जो ये मैंने भी कोशिश की है इस फिल्म को शूट करने के बाद कि मैं जहाँ हो सके मैं टाइम पर पहुँचूँ, मैं किसी और की टाइम की वैल्यू रखूँ, मैं उससे ख़राब नहीं करूँ, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है। आप दुनिया देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, कुछ भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट में चेंज हो सकता है। और ये हम अब जैसे अगर कोई आपके वेट कर रहा है, आपके ऑफिस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए कोई वेट कर रहा है, अगर आप आधा घंटा लेट आएंगे तो उस आपके आधे घंटे के वजह से उसके बाद के जो आदमी को काम है वो और लेट होते जाएंगे। फिर वो आदमी रात को लेट आएगा, जहाँ आदमी 9 साढ़े 9 बजे डिनर करता है वो शायद 11 बजे करेगा डिनर, जो वो आदमी 6 बजे 7 घंटे सो के उठता है शायद वो 6 घंटे सोएगा, शायद अगले दिन वो पूरा दिन इतने आराम से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, और नींद क्यों पूरी नहीं हुई क्योंकि आप आधा घंटा लेट आए। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है लाइफ में। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्राई एंड बी ऑन टाइम और किसी का टाइम वेस्ट ना करें। अरे डैड की तो डैड छोड़ दो, मैं तो फटके खाए मैंने, बट टाइम को लेकर थैंकफुली नहीं, क्योंकि डैडी बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। वो अगर उन्होंने किसी को 9 बजे का टाइम दिया है तो 9:10 पर वो जगह पर पहुंच जाएंगे। और ये चीज़ उन्होंने हमें भी डाली है, हम मेरे और मेरी सिस्टर में भी ये बात डाली हुई है कि टाइम की वैल्यू रखो, विच इज़ बहुत आयरॉनिक है कि डैडी ने ऐसा किया है हमारे साथ। हमको एक्सप्लेन किया, मारा वारा ने टॉर्चर नहीं किया, बट इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में भी वो चीज़ है कि डैडी वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि टाइम की वैल्यू रखो। जी अक्षय भैया को मैं एक्चुअली जब मैं आई थिंक 13-14 साल का था तब से मैं जानता हूँ, क्योंकि डैडी ने और अक्षय भैया ने डैडी के साथ पहला शॉट दिया था सौगंध पिक्चर में, तो मैं उनको मिलता था, वो हमारे घर के सामने रहते थे, तो वो मुझे काफ़ी बार जिम लेके जाते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने स्कूल की बस मिस की क्योंकि उन्होंने मुझे जिम में छोड़ा नहीं, तो मुझे उनके ड्राइवर ने छोड़ के आया मुझे स्कूल। वो तो उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत मिलना थोड़ा हमारा कम होता है, बट जब मिलते हैं बहुत प्यार से, बहुत हमेशा। एक तो वो इतने फिट आदमी, उनको देख के घबराहट होती है, वो जब मिलेंगे ना सबसे पहले मेरे हाथ दबाएंगे, मेरा पेट देखेंगे, हाँ ठीक है फिट है ठीक है। तो बहुत एक बड़े भाई जैसी बॉन्डिंग है, हमारी फैमिली जैसी है। हार्ड फील नहीं हुआ है, डैडी ने एक चीज़ हमेशा मुझे बोला है, बेटा कि तुम एक एक्टर हो, तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, और जो काम, जो एक्टर, जो स्क्रिप्ट, जो आप करोगे अपनी लाइफ में काम करोगे, उसको पूरे दिल से करो, पूरी शिद्दत से करो, पूरे मन लगा के करो, कैरेक्टर को समझो और उस चीज़, उस कैरेक्टर को जस्टिस करो। अपने प्रोड्यूसर, अपने डायरेक्टर का टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट मत करो। अगर तुमसे नहीं हो रहा, पूरा करने के बाद भी नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें टैलेंट ही नहीं। अगर है, तुम कर पा रहे हो, तो पूरे दिल से करो, भले वो कुछ छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, कुछ भी रोल हो, बट अपने पूरे दिल से करो। ये एडवाइस उनकी हमेशा रही है मुझे। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि 30 मिनट्स बहुत अच्छी फिल्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फिल्म है, बट बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी लिखी गई है, बहुत अच्छी शूट की गई है, एडिटिंग बहुत अच्छी, फिल्म ऑन द होल बहुत अच्छी, और बहुत डिफरेंट जॉनर है। और मैं जानता हूँ कि आज पब्लिक ऑडियंस मोस्टली बड़े स्टार्स की फिल्म देखने जाती है, लेकिन हम छोटे लोगों की भी, हमारी फिल्म को भी एक चांस दे के दीजिए, दे के देखिए कि हमारी फिल्म अच्छी है और आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपका पैसा वेस्ट नहीं कराएगी। जी आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय माता दी, और माता रानी आप सब लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करे और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा करे, हमारे जवानों की रक्षा करे और सबको ब्लेसिंग्स है। थैंक यू।